सूचना के बाद भी अलर्ट नहीं पुलिस। 18 घंटे पहले दी गई थी अपराधियों के आने की सूचना, सूचना के बाद भी नहीं आई पुलिस। अपराधियों ने मचा दिया तांडव। बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के मनपा गांव में बुधवार की शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक शुभम पांडे पोखरहा गांव का रहने वाला था। गोलियों की आवाज सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो दबंग हवाई फायर करते हुए भागने में कामयाब हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वहीं बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह का भी गांव के लोगों ने विरोध किया। घटना के संबंध में मृतक के परिवार वालों का कहना है कि 18 घंटा पहले अपराधियों के आने की सूचना दी गई थी, लेकिन फिर भी हत्या हो गई। अब पुलिस डीएसपी का कोई पता नहीं है कि उसका लोकेशन ही नहीं मिल रहा है, कि लोकेशन की कहां उसको पकड़े। जब काम कोई सुधारने का मौका आता है तो थाना प्रभारी बदल दिया जाता है, यहां का थाना हटा के दूसरा थाना पहुंचा दिया जाता है। पता नहीं घुस लेते हैं कि क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। आखिर ये लोग हमारे साथ क्या चाहते हैं, चाहते क्या है, हम तो ये सुनना चाहते हैं कि चाहते क्या है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री से हम क्या कहें, जब इधर का लोग कार्रवाई नहीं करते, मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचेगी तब ना? मेरी आपकी बात पहुँचाएंगे हम। हाँ तो पहुँचाइएगा, तो हम क्या कहें, जब कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है तब ना कोई आशा करता है। हम लोग कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दिया। 150 बीघा जमीन का गेहूँ चल गया, कोई 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। हमारा इतना परिवार है, कहाँ से चलेगा? खेती करेंगे तो लोग जारी देंगे, मारिए देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे? सरकार किस लिए है? सुरक्षा के लिए सरकार है। हमारा बिंदु पांडे नाम है। बयान देने से बचते दिखाई दिए एसपी। वहीं इस मामले पर बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने कोई बयान नहीं दिया और मीडिया का कैमरा बंद कराने लगे। लोगों का विरोध होता देख एसपी गांव से अचानक निकल गए। सूचना के बाद डुमराव एसपी और पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन परिजन पुलिस पर आग बबूला होते दिखे। खबर देते मर्डर हो जाए मोबाइल देखिए मर्डर हो गई हथियार पथियार के काम नहीं कि बस अपन अपन काम करे ले आदमी का काम भाई दूसरा को ले कौन कौन हाथ जोड़िए बा रुओ सबसे हाथ जोड़िए बा का दुश्मनी बा रुओ सबसे हमको दुश्मनी बा हो गया वीडियो बनाना हो गया। दो पक्षों के बीच 70 एकड़ भूमि का विवाद। मिली जानकारी के अनुसार 3 साल पहले से ही दो पक्षों के बीच करीब 70 एकड़ भूमि को लेकर छोटक पांडे एवं विजय पांडे के बीच विवाद शुरू हुआ था। जमीन के लिए दोनों पक्षों ने मालिकाना हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें एक पक्ष को उसका मालिकाना हक देते हुए उस पर खेती करने की कोर्ट ने इजाजत दे दी। इस फैसले के बाद भी दूसरे पक्ष के लोग दबंगई दिखाते हुए जमीन पर कब्जा जमाने हर संभव प्रयास में जुट गए। इसके लिए अभी तक कई बार गोलीबारी भी हो चुकी है। पिछले 3 साल में ये 3री हत्या इसी परिवार के सदस्य की हुई है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।